एन माइनस वन सी आर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री एन सी आर प्लस वन, देन के बिलोंग्स टू क्या होगा, के का वैल्यू बताना कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो अब देखो लिखा हुआ है एन माइनस वन सी आर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री ऑफ एन सी आर प्लस वन, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, मतलब देखो एन माइनस वन सी आर का जो वैल्यू है लेफ्ट साइड में ये पॉजिटिव होता है, और ये जो चीज़ है ना एन एन सी आर प्लस वन ये भी पॉजिटिव होता है, एन सी आर प्लस वन ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। इक्वल टू नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू जीरो नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव होता है। जब ये दोनों पॉजिटिव है इसका मतलब जो के स्क्वायर माइनस थ्री का वैल्यू है वो भी तो पॉजिटिव होगा, है ना। तो के स्क्वायर माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से के स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर लिख दो, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो देखो यहाँ से आ जाएगा के प्लस रूट थ्री और के माइनस रूट थ्री, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, नंबर लाइन ड्रॉ करके लिख सकते हैं ना, यहाँ हो गया माइनस रूट थ्री, यहाँ पर लिख दिए रूट थ्री। अब साइन स्कीम देख लो, के का वैल्यू अगर रूट थ्री से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। यहाँ पे साइन देखो क्या है, यहाँ पे साइन है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वाला रीजन हो जाएगा। तो के बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस रूट थ्री यूनियन रूट थ्री से लेकर इन्फिनिटी तक, एक तो ये मिला। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको थोड़ा और भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे देखो एन माइनस वन सी आर है इक्वल टू में के स्क्वायर माइनस थ्री है, और ये हो जाएगा एन सी आर प्लस वन ना, देखो एक प्रॉपर्टी होता है कि एन सी आर लिखा हुआ है तो लिखेंगे एन बाई आर और एक कम हो जाएगा दोनों में, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी से एन सी आर प्लस वन को लिखेंगे एन बाई आर प्लस वन और एन माइनस वन सी आर हो जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ये जो एन माइनस वन सी आर है और लेफ्ट साइड में एन माइनस वन सी आर है वो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर में वन आ जाएगा और यहाँ पे होगा के स्क्वायर माइनस थ्री और इंटू एन बाई आर प्लस वन, ठीक है। तो इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये होगा आर प्लस वन बाई एन इक्वल टू के स्क्वायर माइनस थ्री। अब एक चीज़ देखो कि जब क्वेश्चन में दिया हुआ था एन सी आर प्लस वन ये वाला, तो एन सी आर प्लस वन में जो एन का वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस वन होगा, ठीक है। जो ऊपर में है एन वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस वन होगा, तो यहाँ से आर प्लस वन बाई एन कितना आ जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ कि आर प्लस वन बाई एन अगर लेस देन इक्वल टू वन है, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस थ्री का वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो के स्क्वायर माइनस फोर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, तो के का वैल्यू आ जाएगा, के का वैल्यू माइनस टू से लेकर टू तक, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होगा माइनस टू से लेकर टू तक। अब ये वाला चीज़ के का वैल्यू और के का वैल्यू ये वाला, ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो के का वैल्यू क्या होगा, देखो के का वैल्यू आ जाएगा फाइनली रूट थ्री से लेकर टू तक, रूट थ्री से लेकर टू तक और माइनस रूट माइनस टू से लेकर माइनस रूट थ्री तक, एक तो ये वैल्यू आएगा और के का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा दोनों मिला के ही लिख देते हैं ना, के का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, देखो के का वैल्यू हम फाइनली लिख देते हैं कि के बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस टू से लेकर माइनस रूट थ्री तक यूनियन उसके बाद रूट थ्री से लेकर टू तक, ये के का वैल्यू होगा। अब जो ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ये माइनस रूट थ्री से रूट थ्री नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, क्योंकि रूट थ्री से टू है, ठीक है। के का वैल्यू ये है तो इसमें ये जो पॉजिटिव वाला है ये तो मैच कर रहा है ना, इसीलिए डी ऑप्शन होगा, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ओके।